गठबंधन की बैठक में कल झड़प हुई है, खूनी झड़प हुई है। कल गठबंधन की बैठक में झड़प हुई है, कार्यकर्ता आपस में फिर कल देखिये, ये तो होना ही था। जिसका हिडन एजेंडा और स्वार्थ से बसीभूत होकर के अपवित्र गठबंधन बनाए हैं, तो वो अपवित्रता का प्रदर्शन तो किसी न किसी स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने फेडरल एजेंसियों पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के साथ है। मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव जी जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ये राजनीति का दुर्भाग्य है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को भाजपा के वो जमाई कर रहे हैं। अरे वो माँ भारती का संतान है और ये संविधान हमारी माता के रूप में है और माता का ये पुत्र संवैधानिक संस्था, अगर जो इस पर मजाक कर रहे हो और इस तरह की भावना का शब्दों का प्रकटीकरण कर रहे हो तो तुम्हारे घृणित मानसिकता का परिचायक है। जो नाजायज औलाद है आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी, ये तुम्हारे यार हैं। तुम्हारे माता पिता के किए हुए पाप, बिहार को बर्बाद करने का, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का, अगर जो माँ भारती का संतान जांच कर रहा है तो माननीय न्यायालय उस पर जजमेंट दे रहा है, तो माननीय न्यायालय पर भी एक कमेंट है। और ऐसे मानसिकता के लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये विकृत मानसिकता है, हताशा और निराशा में दिया हुआ। और बिहार की जनता ये नाजायज औलादों को पालने वाले को, जो आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी को पालता है, संरक्षण करता है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी को अपना नेता मानता है, बिहार इस ऐसे पाप करने वाले लोगों से मुक्त करेगा। अब बिहार में ये परिवारी जमींदारी, परिवारवाद की जमींदारी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी की भूमि है, जनता के जो विश्वास जीत कर आएगा वो राजा का पुत्र बनेगा। रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा।